वृंदावन के गुरुकुल परिसर में महिला इतिहास लेखन का कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यालय में बीए की 100 से अधिक छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, सेकंड ईयर। आपने हिस्ट्री क्यों लिया? क्योंकि मुझे पसंद है हिस्ट्री। अपनी चॉइस थी। आपकी चॉइस हिस्ट्री थी? और भी है, पेंटिंग भी है मेरे पास और हिस्ट्री भी है, इसलिए कोई दो कोर्स सब्जेक्ट लेने थे इसलिए मैंने ये लिया। तो प्रेफरेंस किसकी रखती है आप? को आप रखते हैं या हिस्ट्री का? दोनों को रखती हूँ। क्योंकि आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम क्या है? हिस्ट्री। मैं टीचर भी बनना चाहती हूँ और पेंटर आर्टिस्ट भी बनना चाहती हूँ। नहीं, दोनों में। अपर्णा शर्मा। अपर्णा जी, आप हिस्ट्री के बच्चे स्टूडेंट हैं जी, तो हिस्ट्री से लगाव कैसे है? एक्चुअली एक बात है कि मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में लोगों को हिस्ट्री की तरफ जाना कम हो गया है, तो मुझे लगता है हिस्ट्री पढ़ना चाहिए ताकि हमें अपने देश के बारे में और बाकी अपने कल्चर के बारे में पता चले, पुरानी चीज़ों के बारे में पता चले। और हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली बहुत पहले से है। तो टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सब टेक्नोलॉजी की तरफ भागने लगे हैं, सब टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने लगे हैं, तो पीछे हमारा जो कल्चर है लोग जानना ही नहीं चाहते हैं कि पहले हुआ क्या, क्या था, हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ये सब मुझे लगता है होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ना चाहिए। आपको लगता है बच्चे जो आजकल के युवा वर्ग की बात करें तो वो अपने हिस्ट्री इतिहास भूलते जा रहे हैं? जी बिल्कुल। से जुड़े रहने के लिए आपने चूज किया कि लड़की आपकी? जी बिल्कुल। मन से लगाव आते हाँ, कुछ ऐसा भी है और मैं पहले से भी मन से भी लगाव है मेरा हिस्ट्री से। अब आगे बढ़ते, गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के HOD रेणु शुक्ला ने बताया कि इतिहास हमारी टेक्नोलॉजी की जननी है। उन्होंने कहा कि आज साइंस जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है इसके पीछे इतिहास का भी बहुत बड़ा योगदान है। रेणु शुक्ला ने बताया कि गुरुकुल परिसर में आधुनिकता को देखते हुए छात्रों के परीक्षण संबंधी उन्हें अनेकों सुविधाएं उपलब्ध की हैं। बच्चे यहां आजादी युक्त अपने परीक्षण कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी गुरुकुल को लेकर छात्र भ्रमित हैं, उन्हें गुरुकुल परिसर में ही रहकर परीक्षण करनी होगी, जबकि यहाँ कहीं दूसरी जगह से आकर भी बच्चे अपना परीक्षण ले सकते हैं। मोटिव यही था कि क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और लिखते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि जो पूरा फेज है इतिहास का या विभिन्न चरणों में जो उसने यात्रा की है उसमें महिलाओं का स्थान हमें बहुत कम दिखता है। जिन जो लिखा गया है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी नहीं रही है और जो लिखा गया है उसमें उनके विषय में भी कम देखने को मिलता है, और जो मिलता है वो एक उनकी जो स्टीरियोटाइप छवि है, जैसे माता के रूप में या पत्नी के रूप में या पुत्री के रूप में उनकी जो भूमिकाएं हैं उनकी चर्चा हुई है। इससे अतिरिक्त उनका जो कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो उनका योगदान है उसके विषय में हमें देखने को कम मिलता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल तो इतिहास ही कर रहे हैं। हम लोग केमिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। आपने केदारनाथ में देखा किस तरह से उसको दोबारा एस्टेब्लिश किया गया, तो टेक्नोलॉजी इतिहास का हिस्सा है। इतिहास अगर पास्ट को स्टडी करता है इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी और इतिहास दो विरोधी चीज़ें हैं। इतिहास को भाई काल्पनिक तौर पर हम देखो तो उसके अनुसरण करना कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास को होते जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास में बच्चों का रुझान कैसा लग रहा है? बच्चों का रुझान है क्योंकि इतिहास उनकी अपनी कहानी है। इतिहास एक्चुअली मनुष्य की अपनी कहानी है और कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है जड़ों से जुड़े बिना तो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हर कोई जानना चाहता है कि उसका पास्ट क्या था, और एक्चुअली इतिहास का अध्ययन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उससे कुछ सीखें। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ मनुष्य ने गलतियाँ की हैं और वो उनसे सीख सके और आगे उनको ना रिपीट करे। तो इतिहास कई मायनों में एक लेसन है, और इतिहास हमारी जो मानव जीवन की यात्रा है उसमें जो कंटिन्यूटी है उसको हमें बताता है। ये एक्चुअली हमारी अपनी कहानी है, इसमें रुचि तो बच्चों की बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतिहास का जो अध्ययन है वो आवश्यक भी है, रेलिवेंट भी है, उसके बिना किसी भी तरह का विकास संभव नहीं। बच्चों का मोटिवेशन, मोटिव ये था मोटिव बच्चों को इतिहास से जोड़े रखने से ज़्यादा इसका मोटिव ये था कि वो ये जाने, क्योंकि ये एक हमारा महिला परिसर है तो हम ये देखना चाहते थे कि इतिहास लेखन में महिलाओं की भागीदारी क्यों कम रही है, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से और ज़्यादा महिलाएँ इस क्षेत्र में आगे आ सकती हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग था, आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे इसमें उपस्थित हुए हैं। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन कार्यक्रम वर्कशॉप करते रहते हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारा विषय यही है तो हम इतने, लेकिन हम फिर भी एक ऐसा विषय चुनते हैं जिसमें सब इंटरेस्ट लें। जैसे हमने इससे पहले आइडिया ऑफ इंडिया देखी थी, भारत को लेकर के तमाम सारी अवधारणाएँ आ रही थी, कुछ सही थी कुछ गलत थी, तो एक्चुअली भारत का स्वरूप कैसा हो, इस पर भी हमने एक व्याख्यान आयोजित किया था। बौद्ध धर्म की रेलेवेंस पे एक व्याख्यान आयोजित किया था। तो इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं, उसमें ये ध्यान रखते हैं कि बहुत टेक्निकल बात ना हो कि कुछ ऐसी बात हो जिसमें मैसेज भी कन्वे और बच्चों की रुचि हो। तो आपसे एक लास्ट सवाल ये कुछ ज़्यादा कि बच्चों के साथ युवा के बाद बच्चे करें, युवा करने वाले बच्चे उनका रुझान जो इतिहास के ऊपर है, तो कितने अपने अब तक इतिहास को मोटिवेट कर दिया होंगे जब आपने आपने जैसे पढ़ाई करने के लिए? बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता है कि जब से हमने शुरू किया था 2009 से हमने पीजी क्लासेस शुरू की थी, अरिजी हम देख रहे हैं लगातार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है और बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जो हमारे विद्यार्थी नहीं भी हैं वो भी हमसे चर्चा करते हैं, सलाह मांगते हैं, एडवाइस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरह से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और हमने एक लंबा काम किया। बाकी एडमिशन की बात करें, बच्चे आज भी बच्चे और कॉलेज में बहुत कम बच्चे आते हैं, इसके वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह यही है कि यहाँ वो बच्चे आते हैं जो वाकई जानना चाहते हैं। सिर्फ कैंपसेस में जो एक तरह का माहौल होता है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का शांत माहौल है, तो जो इसको पसंद करते हैं और सिर्फ अध्ययन में रुचि रखते हैं। ये उनके अंदर हो सकती है जिनको इसकी सही मायने नहीं पता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर तरह की सुविधा यहाँ है, किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ नहीं है। अगर गुरुकुल को लेकर के ऐसी कोई मिसकंसेप्शन है, कोई रेस्ट्रिक्शंस है, वो भी कुछ नहीं है। उनको पूरी आज़ादी है अपनी बात कहने की, हम लोग उनसे बहुत टच में रहते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी भीड़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा सार्थक काम कर रहे हैं।